हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अचित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईसी डिपार्टमेंट। आज हम बीटेक के ईसी ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर दैट इज सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EC 302 मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, या ये हम सब्जेक्ट पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, या इस सब्जेक्ट के आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कंटेंट्स रहेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि एप्लीकेशंस अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, सिलेबस एज पर RGPV। सिंस ये सब्जेक्ट RGPV अफिलेटेड है, तो हम RGPV के सिलेबस को ही देखकर उस हर एक यूनिट को कवर करेंगे। उस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड होंगे, उस टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, और लास्ट में हमें कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना पड़ेगा, तो ये सब इसमें रहेगा। अगर हम इस सब्जेक्ट के एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बेसिक एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो पहला बेसिक एप्लीकेशन तो यही है कि मेजरमेंट हमारा डेली लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। कि हमें छोटे छोटे मेजरमेंट की अगर हमें टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होगा, तो हम डिफरेंट अच्छे तरीके से प्रॉपर मेजरमेंट्स कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि अगर आपको करेंसी के बारे में अच्छे से नॉलेज है, या साथ के साथ आपको काउंटिंग की नॉलेज है कि आपको काउंटिंग कैसे करनी है, तो आप कुछ भी सामान परचेज करते हैं या उसका पेमेंट करना होगा, तो आप उस करेंसी के डिनोमिनेशन को प्रॉपरली यूज़ करके उसका पेमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक पेज है, इसके डायमेंशंस को मेज़र करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये इतना बड़ा पेज है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, रूलर स्केल, सिंपल स्केल, या फिर कोई और डिवाइस जिसकी हेल्प से हम उस पेज के डायमेंशंस को मेज़र कर पाएँ। तो हमें मेज़रमेंट के साथ साथ उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट में कई सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं कि वो स्टैंडर्डाइज है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मेजरमेंट्स का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें थी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी इंडस्ट्री में उस बॉयलर, कोई बॉयलर लगा हुआ है, उसके टेम्परेचर का मेजरमेंट का डाटा या डिटेल मेंटेन करके रखना है कि ये 70 डिग्री से 80 डिग्री से एक्सीड ना हो, तो आपको वो चीज़ मेज़र करनी आनी चाहिए कि आपको उस चीज़ की मॉनिटरिंग कैसे करोगे। तो आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता हो, तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज कैसे होगी, हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, वो सारा का सारा इस सब्जेक्ट में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे सराउंडिंग में मेजरमेंट हर जगह है, चाहे वो आप इवन आप मोबाइल से कॉल भी लगाएंगे तो वो भी कई सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को फॉलो करता है, कॉल एस्टेब्लिश करने में भी, या फिर अगर आपको कोई सिंपल टास्क परफॉर्म करना है उसमें भी कई सारे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें और बेटर बना देंगे कि हम उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर पाएँ, इंट्रैक्ट कर पाएँ कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आजकल हमें पता है कि हमारे जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, डेली हर कुछ दिनों में एक नई टेक्निक या इम्प्रोवाइज या एनहांसमेंट होकर आ जाता है, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको समझ सकेंगे, तभी हम, अगर हमें मोबाइल परचेज करना है, किसी को रिकमेंड करना है या उसको यूज़ करना है, तभी हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारा डिवाइस कैसे वर्क होता है, कैसे काम करता है। सिमिलरली टेम्परेचर, प्रेशर मॉनिटरिंग, इंडस्ट्री लेवल पे मेज़रमेंट का बहुत बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्या है, वहाँ पर हमें बॉयलर के टेम्परेचर पे ध्यान रखना हो, या कोई किसी चीज़ में प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो ये हमें मेज़र करना आना चाहिए। इसकी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं मेज़रमेंट के, अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनसे हम इनको मेज़र करते हैं, वो सारी की सारी हम इस सब्जेक्ट की हद से स्टडी करेंगे और आगे समझेंगे। नेक्स्ट है कि हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का हमारे हम पढ़ क्यों रहे हैं, या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, या क्या इसकी नीड रहेगी।
तो अगर हम मेजरमेंट की अगर सिंपल बात करते हैं, तो मैंने पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आवर आइज कैन डिसीव अस, या हमारे जो आइज हैं या हमारे जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं वो कई बार हमें धोखा दे देते हैं. तो प्रॉपर एनालिसिस उस चीज़ की होना या उस चीज़ का प्रॉपर मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो आपको टारगेट प्रैक्टिस के लिए बोला गया कि आपको सामने बोर्ड है और उसके सेंटर में आपको शूट करना है. आपने अपने आई से टारगेट डिसाइड किया और फिर आपने शूट किया, आपने निशाना तो लगाया सेंटर पे, लेकिन सेंटर को मिस करके हो सकता है वो टारगेट के बाउंड्री से बाहर चला गया हो या सेंटर के काफ़ी क्लोज हो, और हो सकता है कि आपने एग्जैक्ट सेंटर पे हिट भी कर दिया हो. तो लेकिन आप अपनी आइज पे प्रॉपरली भरोसा नहीं कर सकते. अब अगर आपकी जो शूटिंग डिवाइस या गन या जो भी है उसमें एक लेज़र बीम लगी होती और लेज़र बीम्स की हेल्प से आप टारगेट को पॉइंट आउट कर सकते थे कि मुझे यहाँ शूट करना है, तो आपके लिए वो कैलकुलेशन करना या वो मेजरमेंट करना या उस टारगेट को अचीव करना ज़्यादा बेटर हो गया. तो यही चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कंसिडर या लागू होती हैं, तभी हम इस चीज़ को कवर कर पाते हैं. बेसिक नीड ऑफ एनी रिसर्च वर्क, अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो उसकी एनालिसिस, उसका मेजरमेंट आपको अगर प्रॉपर तरीके से आता होगा, तभी उसकी आप एनालिसिस या डिटेल स्टडी कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे ये कहा कि मुझे अप्रैल मंथ में पूरा एक एनालिसिस चाहिए कि कौन से दिन कितना टेम्परेचर रहा, या फिर स्पेसिफिक मैंने टाइम मेंशन कर दिया कि दिन के 2 बजे इस पूरे महीने क्या टेम्परेचर रहा था, और उसकी एनालिसिस चाहिए. अब आपको पहली चीज़ क्या आना चाहिए, टेम्परेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है, उसको मेज़र कैसे करते हैं डिग्री में, फ़ारेनहाइट में, ये अलग अलग उसके यूनिट्स हैं, हम किस यूनिट को सपोर्ट करेंगे, इवन कौन कौन से गैजेट्स हैं जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट ले सकते हैं. इसके अलावा प्रॉपर तरीके से उनको डाटा को मेंटेन करके नोट डाउन करना, फिर उसका एक ग्राफ या उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करना. तो ये सारी चीज़ें हम इसी किस तरीके से होंगी इस सब्जेक्ट की हेल्प से हम समझ पाएंगे और बेटर वे में कर पाएंगे. नेक्स्ट इज एग्जैक्ट प्रिसाइज एंड केयरफुल वर्क ऑफ मेजरमेंट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ इम्पॉर्टेंट लॉस. अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रिसाइज अच्छे तरीके से हम काम को करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, तो वो कई तरह की डिस्कवरीज को जनरेट भी कर सकते हैं. जितनी भी आज तक की डिस्कवरीज हुई हैं वो सारी की सारी बड़े ध्यान से अपने काम को बहुत इम्प्रोवाइज, बहुत प्रिसाइज तरीके से करने के बाद ही हुई हैं. इवन आप भी कोई भी डिस्कवरी कर सकते हो, किसी भी, आप कुछ सपोज करो आपको मोबाइल का एनहांसमेंट करना है, मोबाइल गैजेट आपको डेवलप करना है या कंप्यूटर डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मोबाइल फ़ोन कैसे वर्क करते हैं, क्या रैम होती है या किस तरीके से वर्किंग होती है. अगर मैं 4 GB की रैम लगाता हूँ तो उससे क्या आउटपुट होगा, 5 GB की लगाऊंगा, 8 GB की लगाऊंगा, उससे क्या प्रोसेसिंग में चेंजेस आएंगे. तो ये सारे के सारे मेजरमेंट करना और अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ करके आप उसको प्रॉपर डिस्कवर कर सकते हो कि ये प्रोसेसर या ये रैम या ये चीज़ें अगर आपस में कन्फिगर की जाएँ तो हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या उसकी हीटिंग है जो डिसिपेट होती थी वो कम हो गई या पावर कंजम्पशन कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली वर्कआउट कर पाओगे. इवन मेजरमेंट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीडे थिंग्स एंड प्रोसेसेस. मेजरमेंट की हेल्प हेल्प के साथ साथ उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि आपको एक पेज की लेंथ मेजर करनी है, तो उसके उसके लिए आप स्केल का यूज़ करोगे. अब स्केल में सेंटीमीटर्स में अगर मेंशन है तो वो हर एक सेंटीमीटर भी स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि इंडिया में भी 1 सेंटीमीटर की लेंथ इतनी रहेगी, US में भी इतनी रहेगी या चाइना में भी इतनी रहेगी. तो वो पूरा स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड वाइड किया हुआ है और फॉलो किया हुआ है. तो अगर आप कुछ भी काम करते हैं मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन की हेल्प से, तो वो पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा क्योंकि उसमें हर जगह वो एक्सेप्ट किया हुआ है. फर्दर, अब RGPB के जो सिलेबस प्रोवाइडेड है उसकी यूनिट वाइज हम उसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. पहली यूनिट हमारी जो RGPB के अकॉर्डिंग है, दैट इज थ्योरी ऑफ मेजरमेंट. इसमें हम इंस्ट्रूमेंट के कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डायनेमिक नेचर का होता है, स्टेटिक नेचर का होता है,
मेजरमेंट के टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, एरर कैसे आ जाता है, रेक्टिफाई कैसे होता है, कैलिब्रेट कैसे करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को। इसके साथ साथ हमारे इस यूनिट में एमीटर्स की स्टडी है, डीसी वोल्ट मीटर्स की स्टडी है, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं उनकी स्टडी है, मल्टीमीटर की, बोलोमीटर की, और कैलोरी मीटर या पावर मीटर, इन सब डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की पहले यूनिट में स्टडी है। तो हमारी पहली यूनिट का जो आउटकम रहेगा, या लर्निंग आउटकम जिसे कह सकते हैं, वो रहेगा कि हमें बेसिक कंसेप्ट समझ में आएंगे, प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होती हैं, एरर कैसे अगर होते हैं उनको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के, उनको कैलिब्रेट कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहली यूनिट से हम समझ सकेंगे। जो हमारी सेकेंड यूनिट है, दैट इज़ सीआरओ, या इसको हम ये कह सकते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो हम इस यूनिट में समझेंगे कि सीआरओ काम कैसे करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग कैसे होती है, एसिलरेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरटी कैथोडिक ट्यूब्स कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर डिफ्लेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, हम सीआरओ के हेल्प से मेजरमेंट कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के, या डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स के, ड्वेल बीम, ड्वेल ट्रेस, या स्टोरेज सीआरओ किस टाइप की होती हैं, कैसे काम करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी यूनिट में डिफरेंट ब्रिजेस का भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये ब्रिजेस क्या काम करते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी स्टडी क्या है, या हम अलग अलग ब्रिजेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो उस ये सारी कवरेज हम इस सेकेंड यूनिट में कवर करेंगे। ओवरऑल इसका आउटकम ये रहेगा कि हम सीआरओ के बारे में पूरा सीख जाएंगे, सीआरओ कैसे मेजर करता है, उसका क्या काम होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और दूसरा जो हमने ब्रिजेस करे थे कि ब्रिजेस कैसे हम कन्फिगर कर सकते हैं, कैसे उनके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला यूनिट का आउटकम रहेगा। माय मिस्टेक, पहला यूनिट का नहीं, दूसरी यूनिट का आउटकम रहेगा ये। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड यूनिट है, इस पर आरजीपीवी, वो है ट्रांसड्यूसर्स। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसड्यूसर्स एग्जिस्ट करते हैं कौन कौन से हैं, LVDT, RVDT, टेम्परेचर मेजर करने वाले ट्रांसड्यूसर्स, प्रेशर मेजर्स करने वाले, फोटो सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर्स, वेट मेजर करने वाले। तो ये सारे ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन इस यूनिट में रहेगा। तो ओवरऑल इस यूनिट का जो आउटकम रहेगा, हम ये समझ पाएंगे कि ट्रांसड्यूसर्स होते क्या हैं, उनका कितने टाइप्स के वो ट्रांसड्यूसर्स हैं, उनका यूज़ क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, या फिर वो अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सारी स्टडी हमारे इस यूनिट में रहेगी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली एक सिंपल सा कन्वर्जन होता है किसी एक एनर्जी का दूसरे फॉर्म में, या किसी एक सिग्नल का किसी दूसरे फॉर्म में। तो ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से हम डाटा को मेजर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से होगा, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी की सारी जो कवरेज है वो इसमें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने लैपटॉप में सीडी ड्राइव रन करते हो, तो सीडी ड्राइव तो एक प्लास्टिक की शीट है जिस पर डाटा सेव है, और हमारा सीडी ड्राइव में एक ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है। तो उस ऑप्टिकल सेंसर ने उस प्लास्टिक शीट में से हमारा डाटा कैसे कन्वर्ट करके नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लैपटॉप में सेव कर लिया। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें रहेंगी जो हम इस ट्रांसड्यूसर सेगमेंट में समझ पाएंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग में हमें टेम्परेचर है वो कैसे मेजर होगा, अगर उसका मुझे पूरा एनालिसिस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें समझ में आएगी इस यूनिट की हेल्प से। नेक्स्ट हमारी यूनिट है, दैट इज सिग्नल एंड फंक्शन जनरेटर्स। इसके अंदर हम जो सिग्नल्स होते हैं वो किस तरीके से जनरेट करते हैं, और किस कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, कि स्क्वायर वेव है या फिर साइनसोइडल वेव है, ये किस तरीके से जनरेट की जाती हैं, इनकी स्टडी रहेगी। हम कैसे कैसे डिस्प्ले सिस्टम देख सकते हैं, LCD डिस्प्ले सिस्टम क्या होता है, LED डिस्प्ले सिस्टम क्या होता है, इन सबके क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह इस यूनिट में कवर रहेंगे। तो इन द एंड इसका आउटकम ये रहेगा कि हम सिग्नल जनरेटर्स की हेल्प से कैसे कैसे सिग्नल जनरेट कर पाएंगे,
और कैसे कैसे डिजिटल डिवाइसेस पे हम उसका आउटपुट देख सकते हैं या किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा कवरेज हमारी इस यूनिट में रहेगा। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है दैट इज, उसमें ओवरऑल देखा जाए तो कन्वर्जन टेक्निक्स हैं कुछ, कि हमारा डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन्स कैसे होंगे, उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथडोलॉजी है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, दूसरा जो तरीका है वो पहले तरीके से बेटर क्यों है, या डिजिटल वोल्ट मीटर्स, मल्टी मीटर्स, इन सबको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी एरर को इंट्रोड्यूस किए या बिना किसी एरर के। तो ये सारे जो कन्वर्जन्स वगैरह हैं हम यूनिट 5 में समझेंगे। तो यानी कि ओवरऑल जो हमारा इस यूनिट का आउटकम रहेगा वो ये रहेगा कि हम एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का जो यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। दीज आर द सम रेफरेंस बुक्स जिनको हमें स्टडी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे पहले है ए के साहनी, अ कोर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बाय धनपत राय। दूसरी हमारी कूपर की है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, टाटा मैकग्रॉ हिल की है ये बुक। इसी तरीके से कल्सी है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो मेजर जो सिलेबस कवर होगा वो हमारा ए के साहनी और कूपर से कवर हो जाएगा। और आरजीपीवी को रेफर किया गया था, इस आरजीपीवी को सिलेबस को यूज़ किया गया था प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू।